ओम नमः शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष सोमवार दशमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र 12:45 तक लगा रहेगा, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, सुशील, लोकप्रिय, धनी और शांत विचारधारा के होते हैं। ये तीव्र बुद्धि वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले तथा दूर दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण, सटीक पूर्वानुमान लगाने वाले, व्यवहारिक और खुश मिजाज होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, बृहस्पति और चंद्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में चलते रहेंगे। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राहु और चंद्रमा की युति 2.5 दिन तक बनी रहेगी। शनि मंगल की युति धनु राशि में पहले से चली आ रही है और यह धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। बृहस्पति तुला राशि में वक्री चल रहे हैं और सूर्य, बुध व शुक्र की युति एक साथ मीन राशि में बनी हुई है। सभी जातकों को चाहिए कि यदि घर के अंदर भी अगर हैं तो सीढ़ी चढ़ने, उतरने या गीले फर्श पर चलने फिरने में सावधानी रखें। अगर बाहर हैं तो वाहन चलाने में सावधानी रखें, चोट चपेट लगने और एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। कार्यस्थल पर हैं तब भी सावधानी रखें। इन ग्रहों की स्थिति अत्यंत नाजुक और संवेदनशील बनी हुई है। शुभ ग्रहों की युति क्रूर ग्रहों के साथ और उन पर पापी ग्रहों की दृष्टि आकस्मिक और अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देने वाला होता है। हर मामले में सावधानी अपेक्षित है। मेष राशि के जातकों को आज विशेष सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा राहु के साथ चौथे घर में विराजमान है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। अनावश्यक व्यस्तता और अकारण मन में नकारात्मक विचारों का आना संभावित है। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता और निजी सुख में कमी हो सकती है। वाहन धीमे चलाएं। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा। किसी से उलझने की कोशिश ना करें। आर्थिक सहयोग बना रहेगा। पत्नी से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए स्थगित कर दें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उलझन भरा हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी और साझेदारी के काम उचित नहीं होंगे। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है। व्यावसायिक सफलता का दौर जारी रहेगा। आर्थिक उन्नति के लिए आपके प्रयास सफल होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहें। आपकी कार्य ऊर्जा का शुभत्व और सक्रियता प्रभावित हो सकती है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। मित्रों व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक दैनिक कार्यों में धैर्य और संयम बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अपनी वाणी को दूषित ना होने दें। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर हर काम करने के लिए सक्षम होगा, मगर निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। चंद्रमा और राहु दोनों आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि तात्कालिक निर्णय लेने में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। व्यावसायिक और आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। शत्रु पक्ष दबा रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा व प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। कर्क राशि के जातक विशेष सावधानी बरतें। आपकी राशि पर राहु और चंद्रमा दोनों ग्रहण योग बना रहे हैं। मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें और साथ ही नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से भी परहेज करें। कुछ अतिरिक्त काम भी करने पड़ सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। आपका ऊर्जा स्तर हर कार्य के लिए सक्षम है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। शिक्षा व प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। प्रवास या छोटी यात्रा संभावित है। विरोधियों से सावधान रहें। आपकी कार्य योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए।
और मन अशांत रहेगा। किसी से अकारण वाद विवाद संभावित है, अपव्यय की स्थिति बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रति ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें, धैर्य और संयम से काम लें। आपका दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास हर मामले को अनुकूल करने में सक्षम रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामलों में संयम रखना होगा। वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है। कन्या राशि वाले जातक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सावधानी बरतें। मन में नकारात्मक विचारों का दौर और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। हालांकि व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष में सहयोग मिलता रहेगा। मित्रों और रिश्तेदारों से लाभ मिल सकता है। मनोदशा प्रभावित होने से आपकी सक्रियता और ऊर्जा स्तर दोनों प्रभावित हो सकता है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम आवश्यक होगा। वित्तीय निवेश के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। तुला राशि वाले जातकों की ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। अपने कार्य योजनाओं को पूर्ववत निर्धारित रखें। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक विवाद की स्थिति संभावित है। संयम से काम लेते हुए कोशिश करें कि विवाद पैदा ही ना हो। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। वाहन धीरे चलाएं और अपने सामान के प्रति सचेत रहें। खोने या चोरी होने का अंदेशा बना हुआ है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन में नकारात्मक विचारों का उठना और कामों में अड़चन की संभावना बनती है। आपके भाग्य भाव में ग्रहण योग चल रहा है। कार्यों में रुकावट हो सकती है। धैर्य और संयम बनाकर अपने कार्यों को पूरा करते जाएं। मंगल आपके अंदर संघर्ष करने की प्रेरणा और शक्ति दोनों बरकरार रखे हैं। हिम्मत ना हारें। भविष्य की नई योजनाओं को क्रियान्वित करते जाएं। आपको सहयोग मिलता जाएगा। नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। आर्थिक मामलों में व्यय संभावित है। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। चोट चपेट लगने का अंदेशा बनता है। व्यावसायिक मामलों में सब कुछ ठहरा हुआ सा महसूस होगा। आपका ऊर्जा स्तर ठीक ठाक होने के बावजूद भी हर काम के प्रति नकारात्मक विचार संभावित हैं। इसलिए धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा और विरोधियों से सावधानी बरकरार रखें। मकर राशि के जातकों के लिए राहु चंद्रमा का ग्रहण योग सातवें भाव में लगा हुआ है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें संभावित हैं। विचारों में अनबन या मानसिक तालमेल में कमी हो सकती है। अपने मन की व्यग्रता को काबू में रखें और शांत मन से अपनी कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने में समय बिताएं। शाम के बाद का माहौल सुखद और सौहार्दपूर्ण हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और आर्थिक पक्ष की अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों में सफलता संभावित है और वाहन चलाने में सावधानी बरतें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। आपकी सारी ऊर्जा अच्छे स्तर पर बनी रहेगी। अपने व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करने के लिए रचनात्मक प्रयास जारी रखें। नई कार्य योजनाओं के लिए सुझाव और निमंत्रण मिल सकता है। सावधानी पूर्वक निर्णय लेते हुए आप उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। हाँ, किसी से उलझने का प्रयास ना करें। अपने कार्यों को लक्ष्य बनाकर काम करते जाएं। खान पान में अनियमितता और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। मीन राशि के जातकों को भी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पेट संबंधी मामलों में संक्रमण का अंदेशा बनता है। व्यावसायिक गतिविधियां चलती रहेंगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। व्यावसायिक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। अभी कुछ दिन संघर्ष की स्थिति संभावित है। अपने ऊर्जा स्तर और प्रयास को कम ना करें। भविष्य में आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम सामने आएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।